भतीजे को ब्याह वही करवाती, ऐसे ही एक बुआ जी रहे उन्हें अपनी भतीजी अपने गांव में शादी करवाई। और जब शादी करवाई तो भतीजी एक दिन बुआ जी को आराम देने लगी, बोली कैसे घर में करवाई दो बुआ। हाँ तुमने कैसे घर में शादी करवाई, बहुत कम फतवे हम पे। तुम पे? हाँ कम फतवे। हाँ कम फतवे ज्यादा। अच्छा ऐसे पूछ ली जा रहा है, करता ही ना है। तो तुम बताओ, सुनो क्या बात है, बोलो बताओ। सुनो हाँ अरे हम क्या कहते बुआ। हाँ सुनो बोलो। प्रमोद भैया चकई जब आपने को मिट्टी पड़ी हो जाए, शाम को चम्मच में गरम गरम काजर पाल लियो, गरम गरम काजर आंख में लगा लियो, आंख सही हो जाएगी। जा तो बहुत अच्छी बात आएगी, है बढ़िया है। हां बच्चू बोलो। ए जब हुआ आज के जमाने में चटिया भाई अम्मा बने घर बड़ी बुरी है, तो मैं तो सर चटिया ले गई हूँ भाई अम्मा के, एक कबो कबार करिया भरिया करती रहे, अब कहाँ तुम नहीं लड़की चटिया चला। चलो कल हम प्रमोद भैया घर चटिया पहुँचवाए थे, तुम चटिया ना चलाई हो, गंगा जी ने सरवाए दी। ठीक है ठीक है। और सुनो और बताओ। किताब में लिखी देखी कहूँ आसन में छाले पड़ जावे, प्रेत करियो शाम को सो ना जब सही मट्टी तेल लगा लियो आसन में नमक मिलाए के, अच्छा छाले सही हो जाए। प्रमोद भैया तुम चिमटा बजा रात आसन जब मट्टी तेल लगा लियो आसन में छाले सही हो जाए। और कुछ बात लली बताओ। तू कह रही नंदरानी तीसरो ढह गई, और हमें तुम्हारी शिकायत मिली है, बताएं तुम्हारी सास ने
एक शिकायत बताइए हमें, थोड़े इतने घुमाओ कैमरा ये बताओ, पैसा तो लॉकडाउन लगो है कितने दिन आई गई और पैसा को जितने के भैंस सब दुकान में डरवाई गई, खूब आराम से जलेबी और रसगुल्ला मंगा मंगा खाए। तुम एक बात बताओ मैं सुने, अरे तेरे बदनामी होती है, गांव को नाम बदनाम हो तो चटोर होता है।